दिल्ली NCR में हो रही बारिश ने जहां एक तरफ मौसम सुहाना कर दिया तो दूसरी तरफ लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हैरानी की बात यह है कि मानसून जाने वाला है और NCR में बरसाती बादल जाने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस समय इतनी बारिश क्यों हो रही है और ऐसा कब तक चलने वाला है। जब इस बारे में मौसम विभाग से बात की गई तो उन्होंने असमय बारिश का कारण बताया, साथ ही चेतावनी भी दी। मौसम विभाग ने इस बदलाव की दो वजहें बताई, दिल्ली NCR में अचानक मौसम में बदलाव और बारिश दो सिस्टम के एक साथ आने की वजह से हुआ है। पहला सिस्टम एक लो प्रेशर सिस्टम है जिसकी वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन निचले वातावरण में बना हुआ है। यह सिस्टम उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली NCR के इलाकों की तरफ फिलहाल एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरा सिस्टम एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का है जो वातावरण के ऊपरी इलाके में एक्टिव है। इसके साथ ही पछुआ हवाएं भी चल रही है। अगर दूसरा सिस्टम मौजूद नहीं होता तो पहला सिस्टम पश्चिम दिशा की ओर निकल जाता, लेकिन दूसरे सिस्टम ने पहले सिस्टम को इसी इलाके में रोक रखा है जो कि अगले दो दिनों तक बारिश करता रहेगा। दोनों मौजूदा सिस्टम उत्तर प्रदेश, साउथ हरियाणा और दिल्ली NCR में इस वीकेंड यानी सप्ताहांश तक बने रह सकती हैं। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक आगामी दो दिनों तक पूर्वी दिशा से हवाओं का दौर जारी रहेगा। इस वजह से दिल्ली NCR में बारिश की संभावना बनी हुई है। दो दिन बाद हवा की दिशा पूर्वी और उत्तर पूर्वी हो जाएगी। दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और उससे सटे इलाकों नोएडा और गाजियाबाद में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सिर्फ शुक्रवार को ही नहीं बल्कि शनिवार को भी इन इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर समेत कई जिलों के स्कूल्स बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। दोनों प्रदेशों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। Come on.